हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ माइक्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है 101 वीडियोज, 101 माइक्रोज की जो सैंपल कोड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं छठे माइक्रो पे। और छठे माइक्रो पे क्या करना है मुझे कि मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है। जी हाँ, पूजा के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए, मोहन के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए, इंदर के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए। इस तरह से मुझे हर केस में एक एक ब्लैंक रो चाहिए। कैसे करें इसके लिए, चलिए इसके लिए हम बात करते हैं। पहले पैटर्न को समझते हैं, पैटर्न क्या है। बहुत ही मजेदार वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ अगर क्लास लेना चाहते हो तो क्लास ले सकते हैं। पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस पूरी सीक्वेंस में चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे मोबाइल ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। दूसरा, अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आज रात में ही 9 बजे मैं एक नई बैच शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन। तो आप बात एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे करना है हर एक रो के बाद ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। जी हाँ, कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए पैटर्न को समझिए। जैसे मैं A2 पे कर्सर रखा, क्योंकि A2 से मेरा स्टार्ट है, A2 पे कर्सर रखा। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस किया, एंटायर रो को सेलेक्ट किया, एंटर मारा। तो अभी कर्सर कहाँ है, A2 पे है। अब मुझे यहाँ से एक रो दो रो पे जाना है, देन यहीं पे प्लस, फिर यहाँ पे एंटायर रो पे एंटर करना है, फिर एक दो। तो हर बार एंटर के इंसर्ट करने के बाद मुझे दो दो, दो रो आगे बढ़ के फिर एक नई रो इंसर्ट करना है। ये मेरा पैटर्न है। चलिए इसको वन बाय वन समझ लिए तो अब करके देखते हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है, लेकिन इसको बिना वीवीए के हम एक्सेल के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट से बताऊंगा कि विदाउट वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से भी आप इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सब्जेक्ट सैम अंडरस्कोर सेक्स ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हम करते हैं यहां पे कि डिम आर एज ए लॉ, या लास्ट रो कर दीजिए, एला लास्ट रो एज ए लॉ। अब लास्ट रो कहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो लास्ट रो इज इक्वल टू, आप यहाँ दे सकते हैं सीट वन डॉट यूज रेंज डॉट। अगर मैसेज बॉक्स में देखेंगे, MSG बॉक्स के अंदर हम इसकी ये दिखा रहे हैं कि क्या करता है एला, एलआर क्या रिजल्ट करेगा, ये देखिए ये वन दिया। ओ सॉरी, ये यूज रेंज यहां से शुरू कर दिया ना, तो यूज रेंज यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो मुझे लास्ट रो निकालने के लिए करना पड़ेगा रेंज ए 65,000 वाला, जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया था वो 65,000 वाला मेथड होगा। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चलिए एडवांस चलते हैं। यहाँ पे करते हैं डिम आर एज ए रेंज, और फिर यहाँ पे करते हैं सेट आर इक्वल टू सीट वन या एक्टिव सीट डॉट यूज रेंज डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट। देन हम यहां पे करते हैं लास्ट रो एल आर इक्वल टू आर डॉट एंटायर रो डॉट आउट। अब यहां पे देखते हैं क्या आ रहा है इसका रिजल्ट। अब देख जी 19 19 आ रहा है, बिल्कुल। तो हमने 19 ले लिया। 19 लेने के बाद अब मैं यहां पे लूप लगा रहा हूं कि फोर आई इक्वल टू चले 2 से, क्योंकि मुझे यहां पे एक ब्लैंक रो चाहिए ना,
तरह से ऊपर आ रहा है, तो मुझे 2 नहीं 3 से शुरू करना है, क्योंकि मुझे पूजा के बाद करना है ना, 3 से शुरू करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज, रेंज यहाँ पे 4 3, 3 इक्वल टू एलआर, एलआर इक्वल टू 3 इक्वल टू एलआर कर दिया। नेक्स्ट एलआर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज, नहीं रेंज नहीं, ये ऑलरेडी है ही, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऊपर में ये थ्री करना पड़ेगा, रेंज ए 3 डॉट सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट इंसर्ट। उसके बाद एक्टिव, 2 सेल आगे बढ़ना है, सेल डॉट ऑफसेट और 2 रो, 0 डॉट सेलेक्ट। अब इसी चीज को रिपीट करता जाएगा पूरे डेटा। अब इसको एक बार यहां से रन करके देखिए, यहां पे हाई होगा, एक एक सेल में इस तरह से इसने रन कर दिया। अब बात आती है कि इसको हम मैनुअल कैसे, विदाउट वीवीए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हटाते हैं, तो ब्लैंक हटाएंगे कैसे, तो ब्लैंक हटाने के लिए यहां पे हम सिंपल करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, होम के अंदर शॉर्ट होता है, कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट के अंदर में मैं नेम या किसी एक के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर, तो बारीक डिटेल आ गया। तो इसको कैसे करेंगे विदाउट वीवीए, कुछ नहीं, यहाँ पे सीरियल नंबर दे देंगे 1 2। अब इस 1 2 को लेके नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, देन कॉपी, इसी के नीचे एक बार ड्रैग कर दिया और इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ हम चले जाते हैं कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट में नेम हो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको एक बार शॉर्ट कर देते हैं, और इसको फिर डिलीट कर दीजिए। तो विदाउट वीवीए भी कर सकते हैं और वीवीए के साथ भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीका हमने आपको दिखा दिया। अगले वीडियो में हम अगली चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप, आज से बैच स्टार्ट हो रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चंस के लिए मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।